की गोदी में जाके बैठ गए। मैं आपको निवेदन करना चाहूँ कि हम केवल गए थे उस टाइम तक हाई कमान तक अपनी बातें पहुँचाने के लिए गए थे, और हम बीजेपी के बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते, हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि उनको ये बातें शोभा नहीं देती, ये आरोप उनको नहीं लगाने चाहिए थे। हमारी कुछ मुद्दे थे, कुछ हमारी बातें थी उनको लेकर के, हमारी सरकार से नाराजी थी और उन बातों को लेकर हम गए थे। जब वहाँ लंबे टाइम तक इंतज़ार करते रहे और जब हमारी मुलाकात हुई उसके बाद में हमारे समझौते हुए थे उस 3-4 बिंदुओं पर, और वो जैसे समझौते हुए हम वापस आकर के हमने सरकार के साथ में काम किया, मिलके काम किया। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कभी भी हमारे किसी भी व्यक्ति ने एक भी शब्द हाईकमान के खिलाफ नहीं बोला। हम हाईकमान के विरोध में हमने न कोई भाषा का प्रयोग किया, न हमने कभी कोई पार्टी के खिलाफ ऐसा कोई काम किया। हमारी जो नाराजगी थी कुछ मुद्दों को लेके थी, कुछ हमारे एसटीएससी के मुद्दे थे उनको लेके थी, कुछ पूरी राजस्थान के मुद्दे थे उनको लेके थी, हमारी सरकार के खिलाफ नाराजगी थी, इन बातों को लेकर हम दिल्ली गए थे। लेकिन जिस तरह की बातों को प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह का और भी कई लोग प्रयोग कर रहे हैं, हम गद्दार हैं, हम असंसदीय बात भाषा का प्रयोग वो लोग हमारे खिलाफ कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। और जो कहने वाले स्वयं अपने गुरबान में जाके देखें, मैं स्वयं जब से हम कांग्रेस विचारधारा के, मैं मेरे ऊपर कहता हूँ, मैं स्वयं स्टार्टिंग में बीएसपी चुनाव जीता था, जब से हम कांग्रेस में आए हम लगातार कांग्रेस के समर्पण की भावना से काम कर रहे हैं। पिछली सरकार में हम थे, हमने समर्पण की भावना से काम किया, लगातार हम कांग्रेस से काम करते आए, और जो आरोप लगा रहे हैं हम तो ऐसे समर्पण भावना से काम कर रहे हैं। आज स्वयं देख लो तो एक बार में ही, जब तक इनको मलाईदार पद मिलते रहे, जब तक इनके काम होते रहे, जब तक कांग्रेस बने रहे, जब तक हाईकमान के वफादार बने रहे, और जैसे ही इनको कोई थोड़ा इनको झटका लगता है तो तुरंत बगावत कर देते हैं। 2008 में स्वयं को टिकट नहीं मिला था तो प्रसाद लाल जी निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जब वो इतने हाईकमान के वफादार थे, इतने ही पार्टी के वफादार थे, तो निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ा? घर बैठ के हाईकमान की बात, और एक तरफ दोनों भाषा का प्रयोग कर रहे हैं सारे नेता। एक तरफ तो कह रहे हैं हम हाईकमान का आदर करते हैं, हम हाईकमान की बातों को मानते हैं, हम हाईकमान की बातों को ये करते हैं, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि साहब 102 के अलावा किसी को हम मंत्री नहीं बनने देंगे, किसी को हम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। भाई जब नहीं बनने देंगे तो हाईकमान की बातों को मान खा रहे हैं। भाई एक बात बताओ, या तो कहो कि भाई हम जो हाईकमान तय कर देगा उसको हम मानेंगे, या कहो कि भाई हमारी हाईकमान से बगावत हम नहीं मानेंगे। हम मानते हैं हाईकमान की बातों को। तो 2020 में हम यहाँ से हमारे नाराजगी कारण हम गए थे, और जैसे ही हमको हाईकमान ने बुला के हमसे बात करी और हमसे ये कहा था कि तुम्हारी सुनी जाएगी, तुम जाके सरकार का साथ दो, सरकार में काम करो, तब से लेकर लगातार हमारा प्रत्येक व्यक्ति पार्टी का काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। ऐसा देखो, मैं इसमें भी हम तो हाईकमान का नाम ले रहे हैं, यदि हाईकमान ये चाहता है और हाईकमान ये सोचता है कि भाई हमारी अच्छी स्थिति है, और ये तो सब पता लग जाएगा, ये पता लग जाएगा कौन कितने पानी में, और ये सब जानते हैं लोग बाग, ये सब जानते हैं कौन कितने पानी में। रिजल्ट आएगा, चुनाव तो होने ही है, अब करवा दो तो अच्छी बात है, एक साल में जब चुनाव होंगे जब पता लग जाएगा और कौन जीत के आएगा। आप भी यहीं रहोगे, हम भी यहीं रहेंगे, उनका जनाधार का पता लग जाएगा, सब लोग ऐसे बोलने वाले होंगे। हमारा आकलन तो ये है, अब सब पार्टी में सबको मिलकर के जो हाईकमान दिशा निर्देश देता है हमको काम करने चाहिए, और हमने पहले भी हाईकमान की बात मानी, अब भी हाईकमान की बात मान रहे हैं, और ये लोग इनके हिसाब से इनको कोई बात सूट करती है तो हाईकमान की बात मान लेते हैं, इनको सूट नहीं करती है तो हाईकमान की बात नहीं मानते। ऐसा है, यही तो हमारा निवेदन है। मैं कहूँ इनको कैसे पता लगा, जब हाईकमान ने अपने ऑब्जर्वर राजस्थान में भेजे थे, पहले उनकी बात सुननी चाहिए, वो यहाँ से सारा सर्वे करके सारे विचार विधायकों के जान करके और जा करके जो भी तय करते और जो हाईकमान फैसला करते वो मानना चाहिए। हो सकता है इनको कोई शगुन आता होगा, वो तो हमको इस बात की नाराजगी है। और वो ये कहते हैं कि 102 के अलावा कोई बनना ही नहीं चाहिए। भाई 102 के अलावा नहीं बनना चाहिए तो हम मंत्री कैसे बने, बताइए आप। भाई क्या हम कांग्रेस ही नहीं है? क्या हमने काम नहीं किया? क्या हमारा जनाधार नहीं है? क्या सचिन पाठ ने राजस्थान 5 साल तक मेहनत करी नहीं करी थी? क्या सचिन पाठ का जनाधार नहीं है? यदि वास्तव में कांग्रेस के हितैषी है वो, यदि वास्तव में वो हाईकमान की बात को मानते हैं तो हाईकमान की बात का वेट करना चाहिए, हाईकमान के फैसले का इंतजार करना चाहिए। और जो हाईकमान का फैसला हो सकता है हमारे पक्ष में आता, उनके पक्ष में आता, हाईकमान भी कोई ऐसा नहीं बैठा, हाईकमान सोच साच करके जो भी पार्टी के हित में वो फैसला करेगा। इन्हें तो ये तो पहले आउट हो गए। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से
की अभी क्या जरूरत है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन थोड़ी है ऐसा। वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, मैं तो ये कह रहा हूँ, अब वो दोहरी बात कर रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे। वो एक तो कह रहे हैं कि भाई हम हाईकमान की बात जो हाईकमान करेगा वो हमको मंजूर है, दूसरी तरफ कह रहे हैं अगर ये जो हम लोग गद्दार हैं। अब यदि अब हाईकमान की बात को अब आप सोच सकते हो उनकी दोनों बातों से हाईकमान की ऐसी बात मान रहे हो, मैं तो नहीं समझता कि दोनों तरह की बात, दो बात एक बात तो एक मान में दो तलवार तो समान नहीं सकती। एक तरफ तो उन्होंने ये चैलेंज कर रखा है कि भाई इधर से हम किसी को नहीं बढ़ने देंगे, एक तरफ कह रहे हैं हम हाईकमान की बात मानेंगे। अब मान लो बात मानेंगे, हाईकमान ने किसी का फैसला कर दिया तो फिर मानेंगे कि नहीं मानेंगे उनसे पूछो पहले तो भाई। ये तो हाईकमान की बगावत होगी ना, हमने हाईकमान कभी बगावत नहीं करी, हमने हमें पूरे महीने भर तक दिल्ली रहे थे, हमने कभी भी एक शब्द भी कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोला, हमने कभी एक शब्द भी हाईकमान के खिलाफ नहीं बोला। हमने उसी टाइम कहा था कि जो हाईकमान फैसला करेगा उसको हम मानेंगे, और हाईकमान हमसे बुला के बात करी और हमको हमारे तीन आदमियों कमेटी बनाई और हमसे ये कहा था कि तुम्हारे साथ में न्याय होगा। हमने तुरंत हाईकमान की बात मान करके हम यहाँ आए और उसके बाद में कांग्रेस की विचारधारा पे कांग्रेस के पैटर्न काम कर रहे हैं सब लोग। अशोक गहलोत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन भरना चाहिए या नहीं? ऐसा मैं तो फिर बोल रहा हूँ, ये हाईकमान का डिसीजन है, अशोक गहलोत जी का खुद का डिसीजन है। हम तो फिर बोल रहे हैं कि जो हाईकमान सोच समझ के फैसला करेगा, निश्चित है कि हाईकमान को हमसे ज्यादा चिंता है, वो पार्टी तो फैसला करेगा और हम लोग जो हाईकमान फैसला करेगा उसको मानेंगे। आप लोग जब वापस आए थे दिल्ली से तो वो फोटो खिंचवाई गई थी, गले मिले थे, एक आ गया था बड़ा मन रखे एक दूसरे को माफ करेंगे, तो क्या माफ किया गया कि नहीं किया गया? ये आप उन लोगों से पूछिए, हमारे दिल में तो कोई बात है नहीं, हम तो उससे लगातार काम कर रहे हैं, हमारे तो कोई शिकायत है नहीं। अब ये तो उनसे पूछो जो उनको जिनको शिकायत है हमसे। नहीं, अभी के हालात में आपका क्या आकलन कहता है? भाई हमारा आकलन तो ये है कि जिस तरह के मैंने तो कल परसों भी बोला था, अगर उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि उनसे उनको तो शायद हो सकता है हमको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं वो। आप तो कैबिनेट की बैठक में भी एक बार कह चुके कि अभी एपिसोड खत्म। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था अगर कांग्रेस को मजबूत करनी है प्रदेश के अंदर, कांग्रेस को आगे बढ़ाना है, कांग्रेस के सत्ता में वापस लाना है तो सारी बातों को भूल करके मिलके काम करेंगे तो निश्चित कांग्रेस आएगी। और इस प्रदेश का एक एक बच्चा जानता है इस टाइम क्या भावना है, प्रदेश का एक एक बच्चा ये भी जानता है कौन किसका जनाधार कितना है, प्रदेश का प्रत्येक बच्चा जानता है सत्ता किस वजह से आई थी, और प्रदेश का हर बच्चा भी ये जानता है इस टाइम जो माहौल है प्रदेश के अंदर। आप सारे मीडिया के बंधुओं आप स्वयं समझते हो और गांव में जाकर पूछ लो किस तरह का एक जनता में जोश है, एक युवा में जोश है, वो क्या चाह रहे हैं, उनकी भावनाएं क्या है, और मैं समझता हूं कि वो भावनाओं हाईकमान तक भी निश्चित ही पहुंचते होंगे किसी न किसी माध्यम से। मुख्यमंत्री बदलने से फायदा मिलेगा आप लोगों को चुनाव? ऐसा मैं ये कह रहा हूँ, जो हाईकमान तय करेगा, जनता की भावना कदर करेगा तो निश्चित ही जब अध्यक्ष, हमने जैसा जानकारी मिली है सम्मानीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, उससे पहले तो कोई बात आई नहीं, और कांग्रेस में तय हो गया था कि एक व्यक्ति को एक पद, तो निश्चित जब अध्यक्ष बनने जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री चेंज होगा ही भाई। जब ये हो रहा था कि वो अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और अध्यक्ष बनने की बात आई थी तब जाकर के ये सारी बातें उठी। अब ये बमटर इन्होंने किया, अब हाईकमान से जो ऑब्जर्वर आए थे वो अध्यक्ष का सर्वे करने आए थे, एक मुख्यमंत्री का सर्वे करने आए थे, एक सरकार का सर्वे करने आए थे, क्या सर्वे करने आए थे उसकी बात को सुन तो लेते हम सब मिल करके, और जो कोई डिसीजन होता तो अपना फैसला करते, वो तो पहले फैसला कर दिया उन्होंने तो। मुरारी जी अब बताओ गद्दार वो हम। मुरारी जी अब वो अध्यक्ष का नॉमिनेशन नहीं कर रहे हैं, उसके बाद सीएम वो कंटिन्यू रहते या किसी तीसरे को बढ़ा देते, फिर आपका क्या स्टैंड? हमारा स्टैंड वही रहेगा जो हाईकमान तय कर देगा। हाईकमान ये कहेगा गहलोत साहब रहेंगे तो हम गहलोत साहब नेतृत्व से ही काम करेंगे, हाईकमान कहेगा सचिन पायलट के नेतृत्व रहेगा तो सचिन पायलट नेतृत्व में काम करेंगे। हाईकमान ये तय कर देगा कि भाई तीसरा यदि कोई करेगा तो जो पार्टी हित में हाईकमान फैसला करेगा हम सारे लोग उस फैसले को मानेंगे, और ये उनको भी मानना चाहिए यदि वास्तव में हाईकमान की बात मानते हैं तो। यदि वो कह रहे हैं एक तरफ सारे नेता दोहरी बात कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ तीन जन से सबके स्टेटमेंट, चाहे धारीवाल जी हो, चाहे प्रताप जी हो, चाहे कोई तीसरा हो, चाहे प्रसाद लाल जी हो, हाईकमान की बात का हम सम्मान करेंगे, हाईकमान की बात हम मानेंगे, ये तो सब कह रहे हैं आप भी सुन रहे होंगे, और एक तरफ उन्हीं की बातों से लग रहा है कि वो बगावत कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं ना हम हाईकमान की बातों को मानेंगे, हमने पहले भी माने अब भी मानेंगे, उन्होंने ये कैसे कह दिया कि हम बीजेपी गोदी में जाके बैठ गए? हम उन लोगों में से हैं, हम घर बैठ सकते हैं लेकिन बीजेपी से हमारी विचारधारा नहीं मिलती है, हम राजनीति छोड़ सकते हैं बीजेपी विचारधारा नहीं मिलती हमारी, और मैं स्वयं इस विचारधारा का आदमी हूँ, मैं आरएसएस की विचारधारा बिल्कुल खिलाफ आदमी हूँ शुरू से। हम कभी भी चाहे ये बात यदि होती तो उस टाइम ही आओ, ये बिल्कुल सही है, उस टाइम यदि ऐसी बातें होती तो ये दिन ऐसा नहीं होता, हम उस विचारधारा के खिलाफ है बीजेपी के जो आरोप लगाते हैं।
बीजेपी गोदी में जाके बैठ गए, बीजेपी चल जाएंगे। अब भी मान लो कल उनके पूनिया ने बोल दिया स्वागत है, तो हरने तक कहता है, हम कहते हैं हमारी पार्टी मोदी का स्वागत आ जाएगा क्या? हम कहते हैं हमारी पार्टी मोदी का स्वागत है, हम कहते हैं हमारी पार्टी अमित शाह का स्वागत है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो कहते हैं साहब इनको स्वागत कर रहे हैं, इनकी हमदर्दी है बीजेपी के प्रति। बीजेपी वाले तो खुद चाहते हैं ऐसा ऐसा झगड़ा चलता रहे ताकि हमारा राज आ जाए, इसलिए तो ऐसे स्टेटमेंट देंगे। मैं ये कह रहा हूँ, ये कैसे कह रहे हो कि मिल जाए? हम ये कह रहे हैं कि हमारा घर बैठना मन, हम गए थे हाईकमान से मिलने के लिए, हमने पहले भी बोला था, हम हाईकमान से मिलने गए थे, अपनी बात अपनी शिकायत पहुँचाने गए थे, अपनी बातों को रखने के लिए गए थे, हम कोई बीजेपी से मिलने नहीं गए थे। और हम जो मानेसर रहे थे, हम सब लोगों ने जितने MLA थे, ये तो वो भी कह रहे थे उन्होंने खर्चा किया हमारे ऊपर, ये तो ये भी कह रहे थे उन्होंने, हमने सबने कलेक्शन किया था। मैं समझता हूँ हमने पूरे विधायक थे, उन्होंने बराबर का शायद 3-3, 4-4 लाख रुपए हमारे हिस्से में आए थे, हम सब लोगों ने कलेक्शन किया था और कलेक्शन करके पैसे इकट्ठा किया था और अपने पैसे से हम मानेसर रहे थे। धर्मेंद्र राठौर तो बहुत बड़ा बयान लगा रहे हैं, नाम लेके कह रहे हैं कि सचिन पायलट गद्दार है, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि सचिन पायलट तो इस तरह से किसी घर की बेटी भाग जाए और फिर वापस आ जाए, फिर उसके चरित्र पर कैसे विश्वास किया जाए? ऐसा उनकी नज़र में कुछ भी हो सकता है, मतलब वो मैं यही तो हमको दुख हो रहा है कि वो गद्दार शब्द का प्रयोग हमारे लिए कर रहे हैं। अब हम खुद पिछले 4-5 दिन से देख रहे हो, अगर हाईकमान की गद्दारी वो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हमने कभी एक शब्द ही बोला कि हाईकमान खिलाफ, हमने कभी एक शब्द बोला कांग्रेस खिलाफ, हमने कभी बगावत करी थी क्या? बताओ करी हो तो। अब मैं समझ, मेरे खुद के समझ नहीं बैठ रहा है धर्मेंद्र राठौड़ जी का क्या रोल है, क्या भूमिका अदा कर रहे हो उनको। मेरे हिसाब से हो सकता है वो, मेरा ये भी है कि यहाँ शायद तो आदमी के निजी स्वार्थ टकराते होंगे, तो वो निजी स्वार्थ टकराते वो ज्यादातर ऐसी बातें करते हैं। अजय माखन पर भी कई आरोप लगाए हैं सर, धर्मेंद्र सिंह राठौर ने कहा है कि पहले अपने हुआ करते थे। देखो इनके तो जब तक इनके इनके पक्ष की कोई बात करता रहे, जब तक इनके इनको जो बात सूट करती है वो बात कोई नेता करता रहो, चाहे वो पार्टी करता रहो, चाहे वो हाईकमान करता रहो, जब तक तो सब अच्छे हैं। जब तो अजय माखन भी अच्छा है, हाईकमान भी अच्छा है, हम हाईकमान की बात मानेंगे, और जैसे कोई बात इनको सूट नहीं करती है तो फिर हाईकमान की वो फैसला ठीक नहीं है, अजय माखन का फैसला भी ठीक नहीं है, सचिन पायलट का फैसला भी ठीक नहीं है, हमारा फैसला भी ठीक नहीं है। ऐसा आप ये बताओ, ये बिल्कुल आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो मैंने परसों बोला भी था। हम यहाँ से दिल्ली चले गए थे अपनी बात को हाईकमान के सामने रखने के लिए। जैसे हम दिल्ली गए, यहाँ पे विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई थी और हमको नोटिस दे दिए गए थे तुम मीटिंग में आओ। हमने बाकायदा उस नोटिस से जवाब दिया था, अगर हम दिल्ली हैं, बाहर हैं, हम आपकी मीटिंग में नहीं आ सकते। उसके उसके बावजूद भी हमको इन्होंने नोटिस दे दिए गए थे और कोई नहीं हमारे खिलाफ कार्रवाई करी जाए। आप ये बताओ, ये चीफ व्हिप, इन्होंने अभी जो मीटिंग बुलाई गई थी, हमने तो मीटिंग बुलाई नहीं, मीटिंग इन्होंने चीफ व्हिप ने बुलाई गई थी, स्वयं ने मीटिंग बुलाई, CMR ने मीटिंग बुलाई और स्वयं नहीं आए, और स्वयं नहीं आने के बाद में दूसरी जगह बैठ करके और ये अनुशासन इनकी कार्रवाई करते रहे, वहाँ MLA को बुलाते रहे, और कितने मैं कहूँ कितनी असत्य बोलते हैं, ये कितना असत्य बोलते हैं आप भी देख रहे होंगे। हर आदमी समझते, आप क्या समझते हो कि क्या वो कह रहे थे हमने तो कोई बुलाया नहीं, अपना पा गए, अपना पा गए थे MLA? आप बताओ MLA अपना पा गए थे क्या? क्या आपको पता नहीं है कि हम अपना पाए MLA? बिना बुलाए फोन के धारवाल जी के घर नहीं बुलाए थे, बताइए आप। और फिर बाद में आप ये बताओ कि हमने उल्लंघन किया था, उनने उल्लंघन किया था, वो तो यहीं थे जी। इन्होंने मीटिंग बुलाई और इन्होंने मीटिंग बुलाई, हम दिल्ली थे, हम नहीं आ पाए, हमने लेटर का जवाब दिया बाकायदा, फिर इन्होंने हमको फिर नोटिस दिया, अब इन्होंने मीटिंग बुलाई, हम मीटिंग में पहुंचे और ये स्वयं वहाँ मीटिंग में नहीं आए और ये दूसरी जगह बैठ करके और वहाँ पे विधायक को बुला के अपनी नेतागिरी करते रहे और हमसे कहते हैं कि हम गद्दार हैं। हम निष्पक्ष अपने दिलोफात धर के सोचो, कल भी कहीं PC कर रहे थे, PC में सर हमको तो पता ही नहीं, वो तो ML ऑटोमेटिक चले गए, वो तो ऐसे ही चले गए, हमने किसी को फोन नहीं किया। इन सबकी कॉल डिटेल निकाल लो, 4 आदमियों की इन्हीं कॉल डिटेल निकाल करके देख लो, अगर इन्होंने एक ML को कितने कितने ML फोन करे होंगे, इन्होंने 4-5 लोग, धारीवाल जी रहे, वो अपने ये अपने चीफ व्हिप रहे, उप चीफ व्हिप रहे, इनको फोन नंबर निकालो और इन्होंने उन ML को कितने फोन करे होंगे। ऐसा इनके इनका हमारे खिलाफ भी सबूत है,
हमारे खिलाफ ये कह रहे हैं बहुत तगड़े सबूत है तो बीजेपी से जा मिले, मिल गए क्या हम? इन्होंने तो ये भी कहा था हमारे ऐसे सबूत है, उन्होंने पता नहीं क्या क्या कर लिया, बात नहीं थी क्या उस टाइम? इन्होंने कहा था कि हाईकमान ने आपको माफ कर दिया, आप लोग ने जब माफी मांगी तो आपको माफ कर दिया। हमने ऐसा हमने हाईकमान हाईकमान तो माफ जब करता हम ऐसा मौका देते, एक शब्द एक माह तक एक शब्द भी हाईकमान के खिलाफ हमने नहीं बोला, एक शब्द भी हमने कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोला। इन्होंने चार दिन में हाईकमान के भी कपड़े उतार दिए, हमारे कपड़े उतार दिए सब। सर, के एक महीने तक जब आप मानेसर गए थे हाईकमान ने आपको मिलने का समय ही नहीं दिया सर? नहीं, हमने कोशिश करी थी, एक महीने तक आप ये कह रहे हाईकमान ने आपको और सचिन पायलट के वरिष्ठ नेता को मिलने ऐसा हम आराम से हम बैठे थे, हाईकमान ने हमको समय दिया और हम हाईकमान ने जैसे समय दिया हमारा विचार इनके संपर्क में हम थे, यहाँ पे कांग्रेस के में भी ये लोग भी हमको फोन करते रहे थे और जैसे हम हाईकमान से हमारा संपर्क में वापस आ गए। तो क्या जो कमेटी बनी थी आपके बीच में निस्तारण करने के लिए, आपके जो समस्या थे उसके लिए कमेटी बनाई गई थी? बिल्कुल। क्या आपकी सारी समस्याएं दूर हो चुकी है? ऐसा है, उसमें जो कमेटी बनी थी उसमें संजोग क्या हुआ कि एक तो संजोग से ही अहमद पटेल साहब थे मेन इंचार्ज, वही चले गए और उसमें कुछ हमारी बातें मानी गई थी, उसके इंतजार हम कर रहे हैं। बहुत से उसमें हुआ था, हमारी कई डिमांड थी। देखो इसमें स्पष्ट है, ज्यादातर जो पिछली बार सत्ता आई ने उसमें हमारा पूरी राष्ट्र का बहुत बड़ा रोल था, एसटीसी का सबसे बड़ा रोल था। हम करीब 45 एमएलए पूरी राजस्थान थे तो हमने ये भी कहा था भाई हमारे इधर इधर को पूरा प्रतिनिधि मिलना चाहिए, तो मिला है, कुछ मिला है, मंत्रिमंडल में कुछ लोग शामिल हुए हैं। लेकिन उन बातों पर हम इसलिए नहीं जाना चाह रहे कि एक साल चुनाव रह गया, अब हमने ये भी कह दिया एक होकर के वो और हम सब मिल करके हाईकमान के नेतृत्व में हाईकमान के दिशा निर्देश में काम करें ताकि आने वाले टाइम पे हमारी गवर्नमेंट बने। मैं देखा हूँ इतना, ये जो अभी यात्रा राहुल गांधी की यात्रा चल रही है ना, उस यात्रा का जो भारत जोड़ो यात्रा का इन लोगों ने भट्टी बैठा दी अभी। सर, सचिन पायलट को सीएम अब नहीं बनाते हैं तो आगे क्या स्टैंड रहेगा? हमारा स्टैंड तो वो ही रहेगा जो हाईकमान दिशा निर्देश देगा। बड़े नेता है और अच्छा काम कर सकते हैं, मंजूर क्यों नहीं है? हाईकमान बनाकर तो मंजूर है। अगर पायलट साहब को सीएम नहीं बनाया जाता है तो क्या मोर्चा खोलेंगे दोबारा? मैं कहूँ जो हाईकमान हमको हाईकमान जो दिशा निर्देश देगा हम उनका सम्मान करते हैं, वो सब बात हम मानेंगे। एक आरोप राठौड़ साहब ने ये भी लगाया कि सर अगर सचिन पायलट को अगर सीएम बना दिया जाता है तो बदले की राजनीति करेंगे, हो सकता है कुछ लोग जेल में भी हो। ऐसा चोर की दाढ़ी में तिनका, भाई वो क्यों ऐसी बातें सोच रहे हैं? हमने समझ नहीं बैठ रहा भाई, ऐसी बात क्यों सोच रहे हैं? ऐसा नहीं होता। भाजपा ने कहा है कि दरवाजे खुले हैं, ये बेकार की बात है। हम कह रहे हैं हमारे दरवाजे मोदी के लिए खुले हैं, ये फालतू की बात करते रहते हैं। अभी आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की भट्टी बैठा दी, बिल्कुल नुकसान हुआ इससे, इसे जनता इतना जबरदस्त जोश था अपने पूरे प्रदेश के अंदर और भारत जोड़ो यात्रा में जब से एपिसोड हुआ है जनता का ध्यान भट गया और जनता का ध्यान इस एपिसोड पे आ गया भारत जोड़ो यात्रा की बजाय। आपकी चॉइस कौन है पूरी? ऐसा हमारी चॉइस तो पूरी राजस्थान के हिसाब से सचिन पायलट है, लेकिन उससे बड़ी चॉइस भी जो हाईकमान जो कहेगा वो हम मानेंगे। ऐसा पहली बात आप इतने सीनियर पत्रकार हो, एनसीओ टिकट होता ही नहीं है, ठीक है ना? टिकट नहीं होता है, केवल समर्थन होता है। तो समर्थन नहीं दिया, समर्थन नहीं दिया तो कोई बात नहीं, चार कांग्रेस के उन्होंने एक को समर्थन दिया, हम लड़ ली, हमारी विचारधारा है, उसमें सिंबल नहीं होता है। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा के लिए आप कह रहे हैं तो क्या इनके इस कृत्य से ही भारत जोड़ो यात्रा? देखो अपने राजस्थान फर्क पड़ा है, या राजस्थान में पूर्वी राजस्थान में यात्रा आएगी तीन जिले, क्योंकि दो तो आपके पूर्वी राजस्थान में आ रहे हैं, उसको लेकर क्या रहे? हम तो जोर से काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, लेकिन क्या होता है कि जनता का ध्यान बट जाता है। जनता इस टाइम मतलब जिस तरह से रेस्पॉन्स मिल रहा था और जिस तरह से रोज मीडिया में अखबार में सोशल मीडिया पे जो एकदम पिछले चार पांच रोज से सबका ध्यान भारत जोड़ो यात्रा से हट करके और इसमें लग गया। सर, 76-77 लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, आपको लगता नहीं है कि ये मेजोरिटी जो है वो आप लोगों के खिलाफ जा रही है? अब यहाँ तो विधायक ही सब कुछ करने वाले हैं। ऐसा है, मेरे को एक बात बताइए आप, जब जाके ये बात हुई थी हाईकमान ने, अब मैन टू मैन मिल लो, हर आदमी मर्द का बच्चा नहीं होता है, सब अपना टाइम पास करते हैं, आधे से ज्यादा नेता मैन टू मैन मिलते पता लग जाता। सर, राजेंद्र गुड़ा का आरोप है कि शांति धारीवाल इसलिए कर रहे थे कि उनकी पोल खुल जाएगी, 400 नहीं 4,000 करोड़ का जो घोटाला है। ऐसा इस मामले में कुछ नहीं बोलूंगा, गुड़ा जी को पता होगा, धारीवाल जी को पता होगा, मैं इस मामले में मेरे को कोई जान है तो जानकारी नहीं, मैं बोलूंगा। सर, एक आरोप दूसरा खेमा ये भी लगाता है कि आप लोगों ने प्रदेश के अंदर ब्लैकमेलिंग कल्चर को बढ़ावा दिया है कि अगर आपके लोगों को नहीं लगाया गया फील्ड में तो आप समर्थन वापस ले लेंगे।
मैं ये कह रहा हूँ इनके बह क्यों बैठ रहा है। हम ये बोल रहे हैं बार बार कि जो हाईकमान कहेगा वो हम मानेंगे, हाईकमान करेगा जो हम करेंगे, उनकी सारी बात मानेंगे। उनका जब कोई कह रहा है कि ये बन जाएंगे तो हमारे ये कर देंगे, कोई कह रहा है ये बन जाएंगे तो ये कर देंगे, एक ऐसा वातावरण क्यों क्रिएट कर रहे हैं जबरदस्ती का ही। अब तो एक साल चुनाव में रहेगा, सबको मिल करके काम करना चाहिए और ऑल ऑल टाइम कांग्रेस काम करो, वोट मिलेंगे तो जीतेंगे लोग। मेरा कहना ये है कि क्या वो विधायक दबाव में है जो उधर जा रहे हैं, किसी चीज के दबाव में? अच्छा, आप चार पांच विधायकों के स्टेटमेंट मैंने सुने भैया, सुने चार पांच के, तो कहीं तो कोई क्या कह रहा है, कोई क्या बोल रहा है, अब उससे आप अंदाज लगा सकते हो। मतलब सर, क्या आप ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है आलाकमान द्वारा तो आप फिर से बगावत नहीं करेंगे? ऐसा है, हम ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहे हैं, अगर हाईकमान जो दिशा निर्देश देगा, जो बैठ के तय करेगा, उस बात को हम मानेंगे। सर, हाईकमान से मिलने का कोई टाइम मांगा है? हमने कोई टाइम नहीं मांगा। देखो, मैं तो व्यक्तिगत नहीं, मैं तो कभी हाईकमान से मिलने गया ही नहीं, तो फिर कैसे पीड़ा जाएगी? पता रहेगा सबको, कोई बुलाएंगे बात हाईकमान का। आपको पता नहीं है कि हाईकमान क्या डायरेक्शन देता है? सब आम जनता को पता लग जाता है आजकल, आपको पता रहता है, हमको पता रहता है, नेताओं को पता रहता है। हाईकमान जैसे अभी आएगा तो ऑब्जर्वर आएंगे, कोई आएंगे तो डायरेक्शन देते ही है ना भाई, तुम क्या फैसला करना है, अपने फैसलों को सुनाते ही है ना, तो जो फैसला सुनाएंगे उसको हम मान लेंगे। सर, आप लोगों की जो विधायकों से बात होती रहती होगी, आप खुद मंत्री हैं, साथ में आपके सहयोगी हैं, तो क्या देखो, मेरे को तो कोई विधायक मिला नहीं, लेकिन मैं जिस तरह से विधायकों के स्टेटमेंट आए और जिस तरह से मैं समझता हूँ कि ये महाराज में समझता है इस बात को, अगर जिस तरह से विधायक को बुलाया गया और उन लोगों ने बुलाया जो काफी दमदार हैं, पावरफुल हैं, तो महाराज में हिम्मत नहीं होती। कोई तो टिकट कटने से डर जाता है, कोई किससे डर जाता है, कोई किससे डर जाता है बेचारा, वो बोलते हैं क्या? और वो अलग अलग एक एक से मिलते तो हो सकता है उनकी बात अलग आ जाती कुछ। और कोई बात कहना चाहें आप? बात तो मेरे एक है ना, भगवान सबको सद्बुद्धि दे, मिलके काम करो, और जो हाईकमान मुख्यमंत्री बनाए वो मुख्यमंत्री बने, जो हाईकमान अध्यक्ष बने अध्यक्ष बने, तो कांग्रेस रिपीट हो जाए गवर्नमेंट की। नहीं, इस तरह के वातावरण जो बन रहा है ना, ठीक नहीं बन रहा, इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हम तो क्या है कि चुनाव लड़ना जानते हैं, हम पहले दो दो बार चुनाव जीत चुके भी ना, उसके भी हमारी जब भी विचारधारा कांग्रेस की थी। और ये गद्दारों को गद्दार दिखते हैं। किसका? क्यों कैसे करना? फिर आ जाएगा कोई? हाँ, लाइव तो खत्म हो गया, बोल नहीं बैठा। राकेश किधर है? पहले एक साइड कर लेते हैं, फिर वन टू वन।